गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम व्लॉग्स। सो टुडे इज 2 मार्च और हल्की हल्की सी बारिश हुई है बाहर। टाइम हो रहा है 9:20 और हम लोग उठे थे 8:30। तो आज से शुरू हो रहे हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस घर में। तो मेरे देवर की शादी है, बहुत दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की तो आप लोगों को अपडेट नहीं मिला। वैसे मैं शॉर्ट्स तो डाल रही हूँ फिर भी, लेकिन प्रॉपर व्लॉग नहीं आया। मम्मी का बर्थडे वाला व्लॉग आया था, उसके बाद मुझे लग रहा है कोई व्लॉग आया नहीं। तो बस मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अभी गेस्ट वगैरह मौसी तो आ चुकी हैं, बाकी अभी आ रही है रास्ते में है मामी और चाची, तो वो लोग भी विद इन 1 आवर पहुँच जाएंगे। तो अब हम कर क्या रहे हैं पता नहीं, आज कोई रस्म वगैरह भी होनी है शायद, हल्दी और मेहंदी दोनों आज ही हैं। तो मैंने अपने क्लोथ्स वगैरह तो निकाल लिए हैं, इवान के भी निकाले थे, पर मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो गई है। तो इसे तो मैं स्वेट शर्ट वगैरह ही पहनाऊँगी, कुर्ता वुर्ता नहीं पहनाऊँगी क्योंकि ठंड लग गई तो हो जाएगा काम फिर। तो मैं अभी मैंने रखा हुआ है व्रत, और मेरे जो देवर हैं जिनकी शादी है उनका भी व्रत है। पता नहीं कोई कुछ होता है ये कि तेल चढ़ने तक मतलब हल्दी तक व्रत रखना पड़ेगा। तो अभी सब लोग आ जाएंगे तो फिर रस्म शुरू होगी, और अभी हम नहाने धोने का प्रोग्राम कर रहे हैं। अजय जो है ही इज़ बाथिंग, और उसके बाद इवान घुसेगा, फिर मैं घुसूँगी। फटाफट नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद रेडी होएंगे। तो बहुत सारी रील्स आने वाली हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। और बस अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे बस अब दोबारा से स्टार्ट करूँगी, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया वीडियोज़ में, बस कुछ काम चल रहा है उसके चक्कर में। तो चलिए लेट्स इन्जॉय, और आप भी इन्जॉय करिए हमारे साथ, और चलिए शादी के फंक्शंस के लिए रेडी वेडी होते हैं और नहा धो लेते हैं। सबसे पहले बालों की देखना है क्या हालत हो रही है, सीरम लगाना पड़ेगा। मैंने कल हेड वॉश किया था क्योंकि जो भी रस्में करनी है ना वो सिर विर धो के अच्छे से नहा के ही करनी थी। अभी मैं नहाऊँगी फिर से, कल मैंने लेकिन शाम को हेड वॉश कर लिया था तो इस वजह से बाल ना उड़े उड़े से हो रहे हैं। सीरम लगाऊंगी तो सही हो जाएगा। और ईमान के मैंने क्लोथ्स रख लिए हैं, तो उसकी तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि उसको कुर्ता पजामा वगैरह पहना दूंगी, अच्छा लगता है थोड़ा सा, लेकिन अब मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया बाहर का मौसम देख के। ये देखिए बिल्कुल ऐसा फॉगी फॉगी सा मौसम है, जब हम उठे ना तभी से ही बारिश हो रही थी। बारिश तो नहीं हो रही है अब, लेकिन हाँ ठंड है। तो ईमान को मैं रिस्क नहीं ले सकती बिल्कुल भी, क्योंकि 4 तारीख को शादी है और फिर अगर उसको ठंड लग गई तो सारा फंक्शन बेकार हो जाएगा। मैं अभी कुछ तैयार व्यार नहीं हो पाऊँगी कुछ भी, तो इस वजह से उसका तो मैंने प्रॉपर अपना गर्म टी शर्ट, उसके ऊपर स्वेट शर्ट और लोअर गर्म वाला रख दिया है, वही पहनेगा कोई बात नहीं, घर घर में ये सारी चीज़ें। और मैं पहनूंगी डब्लू वाली अपनी ड्रेस, वो मैंने कब पहनी थी, एक ही बार पहनी है रक्षाबंधन पे पहनी थी, तो वही वाली पहनूंगी, लेकिन उसको थोड़ा सा नया लुक देने का मैं ट्राई करूंगी कि वो हो जाए। तो बाकी आज घर में हैं मतलब अभी गेस्ट वगैरह तो आ जाएंगे, लेकिन अब मेरा कितना शूट हो पाता है कितना नहीं वो तो अब टाइम ही बताएगा। वैसे मैंने सोचा है काफ़ी कुछ मेरे दिमाग में है कि मैं कुछ शॉर्ट्स जो है वो बनाऊंगी और उस ड्रेस को थोड़ा सा नया लुक दूंगी किसी एक चीज़ के साथ, जो आप आगे देखना। तो चलिए ईमान आने वाला है नहा के, मुझे आवाज़ आ रही है शायद नहा लिया वो, और उसके बाद उसे रेडी करने के बाद फिर मैं जब रेडी होंगी अब तब आपसे मिलूँगी। तो यहाँ बन रहे हैं गरम गरम आलू के पराठे घी वाले, ईवान को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ सबसे पहले। बस
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये हमारे साथ वेलकम वेलकम रिकॉर्ड हो गया, वेलकम इज रिकॉर्डेड है। हाँ कोई बात नहीं, आज एनिवर्सरी आपकी है। कुछ सामान गिरना नहीं चाहिए, अच्छी तरह जमा दे, बस तो ठीक है। तू थप्पे लगा हल्दी के माँ, तू बता नहीं से फिर यह हल्दी लगा दे ऊपर से चम्मच तो लगा दे हल्दी की दो लगा के फिर बाकी इनके नीचे लगाइए। हाँ तीन लगा दे ऊपर और दो नीचे। किसके ऊपर? नहीं नहीं यहाँ बराबर बराबर लगा दे तीन। हाँ नहीं। लगवा दे नुक्कड़ नुक्कड़ से ना, एक बिल्कुल नीचे आ जाएगा फिर देवताओं के पास। हाँ। बड़े ऊंचे हो गए। सही कह रही है ना, लगा दे दोनों